दोस्तों, तो भानिश के दोनों ड्रेस हमने ले लिए हैं। भानिश को यहाँ पे लाए हुए थे और चक्कर के भी ले गए हैं और फिट आ रही हैं और ऊपर ऊपर वाली। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके शेयर करना। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो हमारे साथ हमारी भांजी भी हैं, उनका मेडिकल बनाना है क्योंकि वो नवोदय में निकली थी, तो वहाँ मेडिकल मांग रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं मेडिकल बनाने के लिए। तो भाई, तो आज थोड़ा तबीयत ख़राब जैसी है, तो वो चलने की भी सूरी नहीं है, मेरे कंधे में हाथ रखा है ये, तो इसलिए मेरे से कह रहे हैं वीडियो बना दे बोला आज। और तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं, मौका मिलने पर इन्हें भी दिखा लाएंगे, क्या पता इनकी बीमारी हाथ आ जाए। कोई सुनने में तो आ रखा है कि मीर की बीमारी हो रखी है। ये रहा मॉडर्न स्कूल, मॉडर्न इंटर कॉलेज चंपावत। अरे देखो, अभी मॉडर्न स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, चंपावत मॉडर्न स्कूल इंटर कॉलेज। और ये रहा सामने पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हम यहीं पे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे भांजी का काम करा के आता हूँ। ये रही भांजी और ये रहा भाई जो हमारे साथ पे आया हुआ है, और इनका मेडिकल कराना है नवोदय में के लिए। वहाँ पे मांग रहे हैं, परसों फॉर्म लाया हुआ था, तो आज इनका मेडिकल करा लेता हूँ। उसके बाद फिर फॉर्म भी वहाँ पे जमा करना है, फिर इनका चंपावत का जो नवोदय का पेपर है वो भी होना बाकी है। अभी 30 तारीख को हो रहा है वो, अप्रैल के ही। तो इनको लेके मुझे टनकपुर जाना पड़ेगा उस दिन 30 तारीख, यानी कि 30 अप्रैल को। और अब मैं अंदर तो आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा, इसलिए आप वीडियो पे बने रहें, मैं इनका मेडिकल करा के आता हूँ। हम लोग मेडिकल बना के आ चुके हैं और मेडिकल भी बन चुका है। अब इस फॉर्म को वहाँ पे जमा कराएंगे नवोदय स्कूल में लोहाघाट पे जाके। और मैं भी अपना वेट तोल के आया, अभी इनका वहाँ पे मेडिकल हो रहा था तो मैंने भी अपना वेट तोला, भाई ने भी तोला। लेकिन पिछले दिन मेरा 55.5 था, आज 54 है, लेकिन कम हो रहा है वेट मेरा। अब चलते हैं कमरे में यहाँ से, ना बहुत गर्मी हो गई है तो नहा के आता हूँ पहले। दोस्तों, नहाना धोना हो चुका है और मुझे जाना है अभी मार्केट। मार्केट में भानिश के लिए यूनिफॉर्म लानी है, स्कूल की एडमिशन तो कब का हो गया था लेकिन यूनिफॉर्म नहीं लाए हुए थे, तो आज वो भी ले आता हूँ क्योंकि मैम ने भी बोल रखा था यूनिफॉर्म लाना करके। कल भानिश कह भी रहे थे मामू वाली यूनिफॉर्म के लिए बोल रखा है, मैंने कहा ठीक है आज ले आते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ और लेके आता हूँ उनके लिए यूनिफॉर्म। अब हम जाने लग गए हैं, शायद भाई का रिचार्ज भी हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इनके लिए ले लेते हैं कपड़े, स्कूल की ड्रेस। दोनों ड्रेस दे दो और शर्ट और पैंट भी दे दीजिए। पैंट शर्ट तो है नहीं, अभी क्लास कौन से इनकी? नर्सरी क्या हुआ? ये तो इनको साथ लगाना चाहिए लगेगा। वो देखो, क्यों आपने हाथ से लगाया, क्यों किया? चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई एक बार थोड़ी सी ट्राई और कर लो। 34-32 भी मिल जाए कोई बात नहीं, 32 भी चलेगा। जब तक इनको दिखा रहे हैं, जब तक। तो ये ड्रेस लेने लग गए हैं, ये चेक कर रहे हैं अभी भाई लोग। तो यहीं भानी लाए थे, इनको चेक कराते हुए ले जाते हैं। ये ड्रेस चलती है तुम्हारे स्कूल में, ठीक है? तो इनके लिए फिट ही आई है ये ड्रेस। ये है बीए, कैसा लग रहा है? ठीक है, मस्त। सही है ना? बढ़िया। दोनों ड्रेस लेनी जरूरी है ना, क्योंकि चेंज करने के लिए भी तो चाहिए, क्योंकि बात कमी होती है ना, ये जल्दी गंदी हो जाती है। बचपन में हमने भी पहनी है यार। दोस्तों, तो भानिश की दोनों ड्रेस हमने ले लिए हैं, भानिश को यहाँ पे लाए हुए थे और चक्कर के भी ले गए हैं और फिट आ रही हैं। और ऊपर ऊपर वाली दुकान से अभी बेल्ट होगी, सॉक्स होगी, जो भी है वहाँ से ले लेते हैं। आगे दिखाते हैं आप लोगों को, आप फिट भी बने रहे। पहले तक हम जूता ले आते हैं।
तो ये जूता चेक कर रहे हैं, ये भी बड़ा ही है, बस दो जोड़े देख लिए हमने तो। तो ये वाला जूता फिट आया भानिज के लिए, दो तीन जोड़े देखे तो उनमें से ये फिट आया। कितना साइज है ये, साइज है नंबर? नौ नंबर, नौ नंबर का जूता फिट आया। ब्लैक और वाइट दोनों जूते लेंगे क्योंकि दोनों ही चाहिए, दो तीन दिन ब्लैक दो तीन दिन वाइट पहनने होते हैं, तो वाइट भी देख रहा है वो। तो भाई ने जूते तो ले लिए हैं, ये भानिज के लिए कपड़े खरीद रहा है तो उनका पेमेंट कर रहा है। देखो पता नहीं बिल कितना बैठता है भाई का। ये है पूरी दुकान, वो बगल में से जूते लिए हमने। तो इनने कपड़े वपड़े तो ले लिए हैं, ये जूते भी ले लिए हैं, तो अब हम रूम में चलते हैं। हमने कपड़े वपड़े तो ले लिए थे, अब हम जा रहे हैं कमरे में को। तो हम बीच मार्केट में पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में कमरे में भी पहुंच जाएंगे। तो हम कमरे में पहुंच चुके हैं, तो हम कमरे में पहुंच चुके हैं। गिफ्ट मिल रखी है, पेन गिफ्ट। तो दीदी को जूते तो दिखा दिए भाई ने, ये ड्रेस दिखा रहा है, दोनों ड्रेस लाया है। तो भानिज खुश हो रखे हैं कि शेरवानी लाए हैं करके। ये पूरे भानिज की ड्रेस ले आया मैं, दोनों ड्रेस से और दोनों जूते व्हाइट और ब्लैक दोनों ले आया। और क्या कहते हैं कि ये पूरे पड़ रखे हैं आपका, ऐसे पड़े हैं 1700-1800 रुपये का इनका सामान अभी। और हम लोग कमरे में पहुंच गए, अब शाम की 4 घड़ी लगते हैं। तो दोस्तों मैं भानिज के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म भी ले आया और भांजे का मेडिकल भी कराया। तो आज का काम मतलब यही रहा मेरा दिन भर के लिए, और ऐसे में ही मतलब टाइम निकल गया, दिन भर का पूरा टाइम निकल गया। और आज थोड़ा बहुत तबीयत भी ख़राब थी तो वो भी रेस्ट किया। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम जल्दी अगले न्यू ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।